टू मी न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, मैंने आज न्यू स्मार्ट वॉच मंगाई है और आज हम उसका अनबॉक्सिंग करेंगे। और ये स्मार्ट वॉच है तो अभी आई है ये, तो फायर बोल्ट की, फिर हम दिखाते हैं आपको कि कैसी है। ठीक है, तो गाइस अब हम इसको खोल के देखते हैं। तो ये इसमें वॉच है और अभी, और ये इसमें फोर कार्ड है जो कि एक फायर बोल्ट का है, एक गाने का है, फिर एक मूवी का निकला है, और ये इसका मैनुअल। और ये जो हमने वॉच मंगाई है ये उसका बिल है। तो गाइज ये इसका चार्जर है और अभी हम, तो ये इसका चार्जर है, मैग्नेट चार्जर है ये। तो गाइज ये हमारी वॉच है और अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं। और अभी ऑन हो रही है फायर बोल्ट का। अभी इसका लोगो आ चुका है जो कि आईकॉन है। तो ये गाइज ऑन हो चुकी है और अभी हम इसमें देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। तो गाइज ये ऑन हो के कुछ ऐसी दिखाई देगी। और इसमें ये डिस्प्ले है क्योंकि तो इसकी डिस्प्ले भी अच्छी है। और इसमें हम ये चेंज कर सकते हैं इसका डिस्प्ले, ये सब इसमें चेंज करने के हैं। जो आपका मन हो जैसा भी लगा सकते हैं। और गाइज इसमें ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये जो फ्यूचर्स हैं, ये स्लीप हैं, कितने घंटे आप सोए, ये बीपी का है, ये ऑक्सीजन का, ये रनिंग वगैरह के लिए, वर्कआउट के लिए, वेदर का है। और यहाँ से आप इसको कनेक्ट करके मोबाइल से इससे फ़ोटो भी ले सकते हैं। तो इसमें और भी फीचर्स हैं, यहाँ से आप गाने भी बजा सकते हैं जो कि अपने फ़ोन से कनेक्ट करके। अभी हम इसको फ़ोन से कनेक्ट करके देखते हैं इसमें क्या है। तो अभी इसके बॉक्स पे है कि अभी इसको हमको इसको स्कैन करना है, बार कोड दिया हुआ है, और इसको स्कैन करके ये इससे कनेक्ट हो जाएगा फिर। तो अभी हम आपको दिखाते हैं और अभी देखते हैं एक बार इसको चेक करके भी। अभी हम इसको देखते हैं लैपटॉप में लगा के। तो ये देखिए गाइस, ये चार्ज होने लगी है। और अभी जैसे हम इसको हटाएंगे देखोगे अभी चार्जिंग पे लग गया बस। तो गाइस अभी हम इसको ये गूगल से यहाँ से स्कैन करेंगे, ये जो इसका बार कोड है। और बार कोड अभी इसको, ये एप्लीकेशन जो भी है इसका एप्लीकेशन है द फिट ऐप, तो ये आप देख रहे हैं आ चुकी है, अभी डाउनलोड हो रहे हैं। तो गाइस अब ये डाउनलोड हो चुकी है, इंस्टॉल हो रही है, फिर इसको देखते हैं कनेक्ट करके। ठीक, डाउनलोड हो चुकी है, अब ओपन करके देखते हैं। तो इसमें जो भी मेल है फीमेल है जिसने भी अपना लिया है, तो हम इसमें, हम मेल हैं तो मेल का करेंगे अपना, इसमें जो भी है प्रोफाइल बनाने हैं, इसमें डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे कि मेरा 14/8/1999 है, तो मैं अपना इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। इसमें अपना हाइट, हाइट डालना है, और वेट है, वेट भी इसमें डालना है। तो अब हमने ये सब कर दिया, तो अब इसको अलाउ करते हैं और अलाउ करके देखते हैं। तो अभी यहाँ पे स्मार्ट वॉच को ऑन करके, तो यहाँ पे देखते कि ये अब ये ऐड हो जाएगा इसमें अलाउ करके।
इसका ब्लूटूथ ऑन कर गए तभी ऑन हो गया। तो गाइज अब देखना ये यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है, ये आ गया। तो अब ये इसमें कनेक्टिंग चल रहा है, तो ये कनेक्ट हो चुकी है। 81 इसमें अभी बैटरी है, और आप यहाँ से भी इसका डिस्प्ले जो है ये चेंज कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे, तो अभी ये है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं जो आपका मन है इस पर डिस्प्ले लगाने का। अगर इसमें आपको अपना फ़ोटो भी लगाना है तो गैलरी में जाके यहाँ से फ़ोटो भी लगा सकते हैं। तो इसमें अच्छा फीचर्स है। तो यहाँ से ये कनेक्ट हो चुकी है, और इसमें जो भी फीचर्स दिए हुए हैं अब इसमें अलग से भी है। ये इतना अच्छा डिस्प्ले, इसका टचिंग भी बहुत अच्छा है। और यहाँ से इसका सेटिंग है, यहाँ से हम कनेक्टिंग कर सकते हैं। और यहाँ ये वाइब्रेट का है, और यहाँ से डिस्प्ले हम कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये फ्लैश है, यहाँ से फ्लैश लाइट भी जला सकते हैं। और ये म्यूज़िक का है, और ये वेदर आ रहा है इसमें। और ये सेटिंग का है कि हम जितना भी सेटिंग हमें करना हो इसका, जो भी सेटिंग इसकी करनी है हम तो सेटिंग कर सकते हैं इसकी। ठीक है गाइस, अब ये यहाँ पे भी है, और तो ये इसमें फीचर्स है, मैसेज है, स्टेप, स्लैप, जो भी इसमें दे रखा है, प्ले, फ्लैश लाइट, सेटिंग, सेटिंग में जाके स्टॉप वॉच, अलार्म, काउंटिंग, ब्राइटनेस है, वाइब्रेशन है, रिसेट करना, पावर ऑन ऑफ है, अबाउट, ये इसका QR ऐप है जिससे हम अपना ये ऐप वो कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं ऐप से। पर हमने बॉक्स से कर लिया था, बॉक्स पे भी था, तो इसलिए अगर हम इसको फ़ोन करना हो इस पर नोटिफिकेशन, तो हम इस पर फ़ोन भी कर सकते हैं। तो गाइज हमें इसमें मोबाइल और नोटिफिकेशन जो भी आएगा तो हमें इसके नोटिफिकेशन में जाना है, और जो भी हमें अलाउ करना है, मोबाइल, मैसेजेस, फेसबुक का अगर करना है तो हम फेसबुक का भी, इसमें जो भी होगा वो फेसबुक का भी आ जाएगा, और व्हाट्सअप इनेबल करना है। तो अभी हम इसमें देखते हैं फ़ोन करके कि कॉल करके कि कैसा आता है दूसरे फ़ोन से। तो गाइस आप देख रहे हैं कि ये हमने अभी कॉल की है अपनी लैंडलाइन से, और ये इस पर आ चुकी है। तो इसमें ऐसी नोटिफिकेशन आएगा, और अगर मैसेज जो भी इसमें मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, वो सब इसमें आ जाएगा। तो आप इसको फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और फ़ोन इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें कोई फ़ोटो लेनी है, मोबाइल थोड़ा पास नहीं है, तो हम इसमें फ़ोटो भी ले सकते हैं गाइस। जैसे कि हमारा ये लैपटॉप है, और अभी हमको फ़ोटो लेनी है गाइस, तो हम यहाँ से इस पर, हमने इसका इनेबल नहीं किया था क्या? तो गाइस ये कैमरा ओपन हो चुका है, और अब हमें इसको फ़ोटो लेनी है, तो हम इससे, ये फ़ोटो हो गई, तो ये इसने फ़ोटो क्लिक कर लिए। अब हमको एक और फ़ोटो लेनी है, तो 3, 2, 1, तो हम यहीं से इसको फ़ोटो ले सकते हैं। अगर हमको कोई भी म्यूजिक इसमें चलाना हो, म्यूजिक चलाना है, तो यहीं से म्यूजिक चला सकते हैं इसका। तो गाइज अच्छी है वॉच, अगर किसी को भाई को भी लेनी हो तो 399 में ये मिल जाएगी ऑफ़र में, और अगर कोई और भी ऑफ़र चल रहा होगा तो ये उससे कम से भी कम में भी मिल सकती है, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों कैसी लगी वॉच, और अगर आप भाई सभी को पसंद आई हो वॉच तो आप इसको ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।